लोकतंत्र की सबसे छोटी और अहम इकाई के चुनावों का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। खंड एवं पंचायत विकास कार्यालय में ग्राम सरपंच, पंच व पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। पंचायत चुनावों में क्षेत्रिक योग्यता, शिक्षक योग्यता की शर्त लागू किए जाने से बड़ी संख्या में युवा उम्मीदवार इन चुनावों में उतरे हैं। खंड कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पंचायत चुनावों में 60% प्रत्याशी 21 से 35 वर्ग के हैं। चुनावों से पहले एक अच्छी खबर ये रही है कि 52 ग्राम पंचायतों के पंच के 634 पदों में से 185 पंचों का निर्वाचन निर्विरोध हो गया है, जबकि केवल मात्र मलिकपुर गांव में महिला सरपंच को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। खंड कार्यालय पर चुनाव चिन्ह वितरण के समय उम्मीदवारों में चुनावों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो कुल 170 कैंडिडेट थे पंचायत समिति घरौंडा में, जिसमें से 29 ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, बाकी 141 कैंडिडेट चुनाव मैदान में रह गए और उनके सिंबल अलाट किए जा रहे हैं। कोई खास सिंबल है जिसके लिए कुछ उम्मीदवारों को चुंबकीय स्थान रही हो? हाँ जी, ज्यादातर च्वाइस जो है कार की रही है, नंबर वन पे उसको बाई लॉट जिसके भी निकला है उसको दे दिया गया। गोंडा से अजा टीवी न्यूज के लिए सुरिंदर पंचाल की रिपोर्ट।